नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 24 का। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,841 हुई। अब तक कोरोना से 12,970 लोगों की मौत। चौबीस घंटे में कोरोना के 14,721 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 375 लोगों ने तोड़ा दम। तीन राज्यों ने उड़ाई नींद। 24 घंटे में मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु से आए कोरोना के 9,079 मामले। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार। संक्रमितों का आंकड़ा 46 लाख के पार। विश्व में अब तक कोरोना से 4,57,991 लोगों की मौत। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट लैब में 2,400 रुपए में होगी कोरोना टेस्टिंग। भारत चीन सीमा विवाद पर पीएमओ ने जारी किया बयान। कहा पीएम मोदी के कथन को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। एलएसी मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा भारत की जमीन को पीएम ने किया सरेंडर। राहुल के बयान पर अमित शाह का पलटवार। ओछी राजनीति ना करे राहुल। राहुल गांधी को भी राष्ट्रहित के साथ मजबूती से होना चाहिए खड़ा। चीन के खिलाफ आपका प्रदर्शन। गोपाल राय बोले कुछ छुपा रही है केंद्र सरकार। शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दे केंद्र। चीन का दावा हमारे हिस्से में गलवान घाटी। चीनी सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों ने किया था जानलेवा हमला। शिवसेना की केंद्र को सलाह। गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। भारत ने चीन को दिया एक और झटका। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से पेंशन कोष में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का किया प्रस्ताव। गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी बोले देश को बिहार रेजिमेंट पर नाज। पीएम मोदी ने बिहार से शुरू की गरीब कल्याण योजना। सीएम नीतीश बोले दूसरे राज्यों में नहीं जाना चाहते मजदूर। दिल्ली में घर में नहीं रह सकेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज। एसजी अनिल बैजल ने लगाई रोक। एसजी के होम क्वारंटाइन पर रोक लगाने से नाखुश केजरीवाल सरकार। कहा कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों पर बढ़ जाएगा दबाव। लगातार 14वें दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 51 पैसे और डीजल 61 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा वायरस का नया चरण हो चुका है शुरू जो और ज्यादा होने वाला है खतरनाक। बॉर्डर पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन। हो रही थी हथियारों की तस्करी। पाकिस्तानी सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। उरी सेक्टर में फायरिंग जारी 2 घायल। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। नेटवर्थ 64.6 अरब डॉलर के साथ की लिस्ट में दुनिया में 9वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। 21 जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारत में कल सुबह 9:56 पर शुरू हो जाएगा ग्रहण। बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा भारत का कभी दोस्त नहीं हो सकता चीन। पाकिस्तान की तरह चाइना को भी सबक सिखाना जरूरी। मुंबई की मरीन ड्राइव पर उठ रही डरावनी लहरें। समुद्र किनारे जाने पर लगी रोक।
मेरे साथ टॉप 24 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।